हेलो एवरीवन सो वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज़ सुरभ सिंह और मैं आपका मंथली करंट अफेयर डिस्कस कर रही हूँ फॉर द एग्ज़ाम सी जी पी डी पेटेंट ऑफिसर जनवरी से शुरू किया था जनवरी फरवरी मार्च हो गया था अप्रैल भी हो गया था मैं अभी मई मन, मंथ की बात कर रही हूँ मई मंथ में जितनी भी आपके करंट अफेयर्स जितने भी बेसिकली हॉट टॉपिक्स रहे हैं उनको मैं इस वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करूँगी तो चलिए शुरू करते हैं विच कंपनी हैज़ सरपास्ट

इज़ इंडियाज़ ओनली ट्राई सर्विसज़ कमांड ठीक है ऑप्शन देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो इंडिया के बेसिकली दो जो हैं आपके ट्राई सर्विसेज कमांड रहे हैं एक तो अंडमान एंड निकोबार स्ट्रेटी रही है और फिर उसके बाद है आपका फोर्स कमांड टू हैंडल्स जो बेसिकली आपके इंडियाज के दो आपके ट्राई सर्विसज कमांड रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार आईलैंड हु इज़ द वाइस प्रेस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट जो पीएम मोदी हैं उन्होंने बेसिकली वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया है नीति आयोग का वो कौन है अमिताभ कांत सुमन बैरी बी वी आर सुब्रमण्यम एंड एम विश्ववेकर विश्ववैश्वर्या तो आंसर हो जाएगा आपका सुमन बैरी ठीक है तो ये आपके न्यू वाइस चेयरपर्सन हैं जो नीति आयोग के अपॉइंट हुए हैं ठीक है थीके? और अपॉइंट पीएम के थ्रू हुए हैं पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली अप टू द मैक्सिमम ऑफ कितने रुपीस तक का जो है पेमेंट डिपॉज़िट एक्सेप्ट कर सकती है तो वन लाख टू लाख फाइव लाख कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट तो आंसर हो जाएगा आपका टू लाख टू लाख तक का डिपॉजिट जो है आपका पर कस्टमर पेमेंट बैंक एक्सेप्ट कर सकती है Which state has been ranked as the most innovative state in the National Manufacturing Innovation Survey, जिसको हम NIMS के नाम से भी जानते हैं 2021-2022 ट्वेंटी basically National Manufacturing Innovation Survey का बेसिकली नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे अगर हम देखें तो कौन से इस्टेट को आपका मोस्ट इनोवेटिव स्टेट के नाम से रैंक किया गया है कर्नाटका गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका ठीक है तो ये सब जो चीज़ें हैं करंट अफेयर के हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं विच कंट्री इज नॉट द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ द एस यू एस यू है बेसिकली आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फो फॉर्म भी साथ में देखते चलना ठीक है संघाई कॉरपोरेशन ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन ठीक है संघाई एस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा फ़ाउंडिंग मेंबर नहीं है चाइना इंडिया उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी इंडिया ठीक है जो बी इंडिया है वो आपका संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडिंग मेम्बर नहीं है बात करते हैं तो कौन कौन से हैं रशिया ताजिकिस्तान जो है ये आपके बेसिकली फाउंडिंग मेम्बर है ठीक है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एफ ए एम ई इंडिया स्कीम इसका मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था एफ ए एम ई का फुल फॉर्म हम बेसिकली देख लेते हैं एफ ए एम ई इज़ फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्टर एडोपन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल ठीक है ये आपका एफ एम ई का फुल फॉर्म है जो पूछा जा सकता है फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एम एम इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई इज़ फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल ठीक है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल तो किस मिनिस्ट्री के थ्रू भी बेसिकली लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे तो बी ऑप्शन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ठीक है फास्टर एडॉपशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड ब्रेकट ठीक है वॉट इज़ द सी यू चयन ठीक है वॉट सी यू चैन बेसिकली आपका क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्कीम टू फुलफिल्ड अनफिल्ड सीट इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोसीजर टू सेलेक्ट बेस्ट वेराइटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू पोर्टल फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो डी ऑप्शन हो जाएगा वो जो सी यू चयन है बेसिकली न्यू पोर्टल फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए हम सी यू चयन बेसिकली इसको यूज़ करते हैं मतलब ये आपका बेसिकली एक नया बना हुआ है जिसके थ्रू हम जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो हम इस पोर्टल जो आपका सी यू चयन पोर्टल है इसके थ्रू करेंगे हुच कंट्री इज़ नॉट द मेम्बर ऑफ जी सेवन वेरी नाइस क्वेश्चन जी सेवन के जो मेम्बर हैं बेसिकली आपके हैं कैनेडा जापान फ्रांस जर्मनी इटली जापान यू के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो ये आपके सेवन मेंबर्स हैं कनाडा, जापान फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड यूके। तो ऑप्शन देख लेते हैं चाइना कनाडा, इटली जापान आंसर हो जाएगा ए चाइना जो चाइना है वो आपका जी सेवन का मेंबर नहीं है वेयर हैव सिग्निफिकेंट लिथियम रिजर्व रिसेंटली हैव बिन डिस्कवर्ड उड़ीसा राजस्थान कर्नाटका झारखंड तो ये बेसिकली आपका र, बी जो ऑप्शन राजस्थान है उसके दिगाना डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली इसकी डिस्कवरी हुई है द डिस्कवरी ऑफ़ दिस रिज़र्व में हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन द चाइना फॉर लिथियम ठीक है जो ये लिथियम रिजर्व आपका देगाना डिस्ट्रिक्ट में जो इसकी नई डिस्कवरी हुई है तो जो चाइना के लिए हम डिप, डिपेंडेंट होते हैं लिथियम पर वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ज द नेम ऑफ द पोर्ट दैट हैज़ बिन पुट इन टू द ऑपरेशन बाई इंडिया इन म्यांमार ठीक है तो ऑप्शन देख लेते हैं माइक यांगून थानवी और सिटवे ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये फेमस क्वेश्चन है मतलब फेमस टॉपिक है सिटवे जो एयर एयरपोर्ट uh, है बेसिकली एयरपोर्ट नहीं सिटवे जो पोर्ट है बेसिकली ये जो है कि बेसिकली ये डीप वाटर पोर्ट है जो कि आपकी म्यांमार की कैपिटल है सिटवे वहाँ पर है ये और दिस पार्ट डेवलप्ड एंड फंडेड बाई इंडिया जो ये आपका पोर्ट है उसको इंडिया के थ्रू डेवलप किया गया है और बेसिकली ये लोकेटेड है आपका म्यांमार में ठीक है अंडर द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव टू कनेक्ट सिटवे पोर्ट टू कोलकाता ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है एस्चुरी ऑफ द कादान रिवर बेसिकली कालादान रिवर एंड ऑन द वे ऑफ बंगाल तो ठीक वॉट इज द नेम ऑफ द री ब्रैंड लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ पे बैक इंडिया इन भारत पे बिलियन जिलियन ट्रिलियन मिलियन ठीक है ऑप्शन हो जाएगा आपका जिलियन

तो इसमें से कौन सा सेक्टर नहीं कवर होता है आईटी सेक्टर नहीं कवर होता है बेसिकली जो आईआईपी है जो आपका यूनेस्को के थ्रू रिकमेंड किया गया है इसमें माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग आपका कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई को आपको ये सारी चीज़ें आपकी आईआईपी के अंदर आती हैं बट इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो डेटा इतना अवेलेबल नहीं है डेटा की कंस्टेंट की वजह से बेसिकली जो uh, जो आपको दो चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन है और जो गैस एंड वाटर सप्लाई है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया दो ये आई के ही पार्ट में है बट आई जो आपका सेक्टर है वो आपका आई का पार्ट नहीं है इसको ने कवर नहीं किया है ठीक है जो ये चीजें बता रहे हैं कोल, सीमेंट फर्टिलाइजर नेचुरल गैस क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड स्टील आर अदर सेक्टर्स वेयर विल द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बी हेल्ड पुणे, शिमला त्रिवेंद्रम और वाराणसी तो त्रिवेंद्रपुरम जो त्रिवेंद्रनाथपुरम है वहाँ पर आपका ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 आपका ऑर्गेनाइज किया गया था इसका थीम बेसिकली था इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा ठीक है हु इज टेकिंग ओवर एज अ सी ऑफ ट्यूटर लिंडा यक्रीनो एलन मस्क पारग अग्रवाल डेविड सैक्स तो आंसर हो जाएगा आपका लिंडा यक्रीनो ठीक है विच मार्शल आर्ट विल बी फीचर्ड इन दट थर्टी सेवंथ नेशनल गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंट्री डू फॉर द फर्स्ट टाइम कलारी पैतू गटका मलायुद्धा और आपका पहलवानी तो ठीक है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गटका बेसिकली ये पंजाबी एक तरीके से मार्शल आर्ट है ठीक है जो आपका पंजाबी खेलते हैं और ये प्रॉपर सिख जो पंजाब के सिख हैं उसमें बहुत फेमस हैं इसको हम बेसिकली नेशनल गेम टू थाउजेंड ट्वेंट्री थ्री का जो आपका थर्टी सेवंथ होने वाला है इसमें हम फर्स्ट टाइम शामिल किए हैं गट का हु विच सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा हैज रेज कंसर्न अबाउट अ पोटेंशियल ग्लोबल पेंडेमिक एच सेवन एच नाइन एच फाइव एन वन बेसिकली एच वन एन वन तो जो आपका एविय एवियंस इन्फ्लुएंजा है ये बेसिकली पोटेंशियल ग्लोबल पेंडेमिक के लिए ये बेसिकली कंसर्न रेज कर रहा है तो ये जो आपकी uh, जो आपके टोटल जो हैं ये आपके एटीन जो एच ए के ये हैं सब टाइप्स हैं बेसिकली इसमें एच ए सब टाइप एंड एलेवन नॉन एन ए हैं तो ठीक है और बर्ड्स की बात करते हैं तो सिक्सटीन एच एंड नाइन एन ए सब टाइप जो हैं ये आइडेंटिफाई हुए हैं बेसिकली फ्लू बर्ड फ़्लू को लेकर यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए वो हो जाएगा आपका एच फाइव एन वन जो बेसिकली पोटेंशियल ग्लोबल पेंडेमिक के लिए बेसिकली एक रेज एक कंसर्न रेस किया गया है हाउ मैनी मेम्बर्स कॉन्स्टिट्यूट द मोनिट्री पॉलिसी कमिटी ऑफ द आर बी आई फाइव फोरथ सिक्स नाइन तो बेसिकली आपके सिक्स बेसिकली मेम्बर हैं जिनको आप कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कंसिस्ट ऑफ आर बी आई गवर्नर वन डिप्टी गवर्नर एंड फोर अदर मेम्बर्स हैं ठीक है जो आपका बेसिकली तीन इसमें से आर बी आई के हैं और जो आपके तीन हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका सिक्स विच मॉस्टो स्पेसी इज इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डेंगू देखो ये आपका जो क्वेश्चन है ये बायो का भी बन सकता है ठीक है इंपॉर्टेंट है अभी मैंने बायो के लेक्चर में जब डिसीज़ की बात की है तो वहाँ पर भी मैंने इस टॉपिक को लिया है जो कुछ स्पेसीज़ हैं जो फेमस स्पेसीज है मॉस्किटो की उनके नाम आपको पता होना चाहिए लाइक डेंगू है डेंगू बेसिकली किस मॉस्कीटो स्पेसीज की वजह से आ, स्प्रेड होता है एनोफ्लेस एडिस एजेप्टी क्यूलेक्स नन ऑफ द तो जो बेसिकली डेंगू है वो आपका एडिस एजप्ट जो ये आपका मॉस्कीटोज स्पेसीज है ये बेसिकली फैलाता है और ये जो मॉस्किटो होता है वो आपका पैथोजीन ऑफ चिकोगूनिया एंड जायका फीवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्यूलेक्स होता है बेसिकली आपका इनसेफ्लाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो एनोफ्लिस है एनोफ्लीस एनोफ्लीस मच्छर जो कहते हैं जिनको वो आपका मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो एनोफ्लीस एडिस एजेप्ट और क्यूलेक्स इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉस्किटोज के स्पेसीज हैं डेंगू के और मलेरिया के और आपका बेसिकली इंसेफ्लाइटिस के जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप ठीक है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एडिस एजेप्टी जो फॉर डेंगू के लिए पूछा गया है फोटी नाइन जी सेवन इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन हिरोसिमा नागासाकी टोक्यो और क्या है क्योटो तो आंसर हो जाएगा आपका डी क्योटो यूजली द न्यूज़ स्क्वाइड ग्रूप कंजिस्ट ऑफ फोर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द यू एस इंडिया एंड जापान विच इज़ द फोर कंट्री जो आपका क्वैड है बेसिकली क्वाडेटल सिक्योरिटी डायलॉग जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं इसमें आपका मैं किसको मैं इसको सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया यू के तो इसमें जो आपका फोर्थ कंट्री है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी स्ट्रेटेजिक डायलॉग ग्रुपिंग टू डिस्कस द रीजनल सिक्योरिटी इशू डिफेंस कॉरपोरेशन एंड कॉमन चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक रीजन ठीक है दे पार्टिसिपेटेड इन मालाबार एक्सरसाइज जो क्वैड है बेसिकली इसमें फोर कंट्रीज हैं जिनका मेन काम होता है जो सिक्योरिटी इशूज हैं उनको डिस्कस करने का विच ओशियन डेड ट्रॉपिकल साइक्लोन फेवियन फॉर्म इन इंडियन ओशियन एटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन आर्टिक ओशियन आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ओशियन बेसिकली जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फेबीन को फॉर्म करते हैं विच प्रेस्टिजियस एवॉर्ड इज रिप्रजेंटेड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द कैनस फिल्म फेस्टिवल पामेडोर ऑस्कर बाफ्ता फिल्म अवार्ड गोल्डन एन ग्लोव तो बेसिकली जो आंसर हो जाएगा आपका पालमाडोर जो रबन आ, जो आपकी रबन डायरेक्टर थे उनकी जो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस है बेसिकली वो आपका पामाडोर जो आपका प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो आपका कैनस फिल्म फेस्टिवल में जीता है तो क्वेश्चन भी आ सकता है जो पालमाडोर आपका अवार्ड है वो कौन से फिल्म में जीता है तो आप बोलोगे ट्रायंगल ऑफ सैडनेस उसके डायरेक्टर कौन है तो रूबेन हो जाएंगे ठीक है ये चीज़ें आप ध्यान में रखना ये आपके करंट अफेयर्स में है हाउ मैनी जजेस आर टिपिकली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मोर देन फाइव लेस देन फाइव थ्री नो नोट फिक्स्ड एंसर हो जाएगा मोर देन फाइव विच इज फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट इन कर्नाटका हम्पी एलोरा केवस भीम बिटका रॉक शेल्टर्स एंड महाबलीपुरम आंसर हो जाएगा आपका हम्पी जो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट है ठीक है Which is not included in the wholesale price index (WPI) fuel, power, services, vegetable. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका services, ठीक है? जो आपका services हैं वो आपका wholesale price index में नहीं included है। Which state in India has declared itself as a first fully e-governed state? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आंसर हो जाएगा केरला। तो आपका इसको famous e-सेवना प्लेटफॉर्म है, ये आपका आ, एट हंड्रेड अप्रॉक्सीमेटली गवर्न सर्विसेस को आपका रन कर रहा है ठीक है तो ये आपका फुल्ली ई गवर्नड स्टेट बन गया है आपका केरला वॉट इज़ द नेम ऑफ द ए आई सुपर कम्प्यूटर लोकेटेड एट द सी डेक पुणे विच अचीव अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ सेवेंटी फिफ्थ ऑन द टॉप फाइव हंड्रेड ग्लोबल सुपर कम्प्यूटिंग लिस्ट परम सिद्धि परम अनंता एयर वॉट प्रत्युषा प्रत्युषा आपका सुपर कंप्यूटर है बेसिकली हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो आपका एंसर हो जाएगा एयर वॉट एयर वॉट का फुल फॉर्म है ए आई रिसर्च आर इज फॉर

आपका रिसर्च एनालिटिकल फिर W इज़ फॉर नॉलेज ए इज़ फॉर बेसिकली असीमलेशन ठीक है ये आपका AI आई बेस्ड क्लाउटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग आपका बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एयर वॉट तो याद कर लीजिएगा ये आपका ग्लोबल रैंकिंग में सेवनटीथ सेवनटी पोजीशन पोजिशन आपका लिस्ट हुआ है विच ऑर्गेनाइजेशन हज लॉन्च द जूगलबंदी चैट बोर्ड टी सी एस माइक्रोसॉफ्ट आई आर सी टी सी पे टी एम तो एंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ठीक है बहुत इसमें बहुत सारी हैं जुगलबंदी चैट बोर्ड अभी आप आई जी पी टी चैट बोर्ड देख रहे हैं तो आंसर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हो जाएगा विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ठीक है एल एन टी डी एल एफ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड डिलीप बिल्ड कौन सा आंसर हो जाएगा आपका जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है वो आपका जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसके लिए उसको वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वेयर विल बी द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टेक प्लेस यू पी ट्वेंटी एट होगी कहाँ होगी लंदन पेरिस रियाद दुबई आंसर हो जाएगा आपका दुबई ठीक है दुबई में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होगी सो दैट्स एट फॉर द करेंट अफ़ेयर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द मंथ मई लास्ट में मैं एक मराथन करंट अफेयर कभी लाऊँगी वीडियो जो इम्पोर्टेंट होगा तो कोई यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना और बहुत मेहनत करो जाओ बस अब लास्ट के ट्वेंटी डेज बचे हुए हैं बिल्कुल जी जान लगा कर पढ़ाई करो मेरी बेस्ट फसेज़ आपके साथ हैं थैंक यू